फूड इंस्पेक्टर की तानाशाही से परेशान होकर 78 सेल्समैनों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में कोरोना काल देश के हर नागरिक के लिए एक बुरा समय था। इस समय में घरों घर अनाज पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार समस्त सेल्समैन घर घर जाकर ऑफलाइन गल्ला वितरण कर रहे थे, पर उसे विपरीत समय में सहकारी समिति के द्वारा वितरण किया गया गल्ला परेशानी का सबब बन गया है। सिवनी जिले के आदिवासी अंचल घनसौर ब्लॉक के समस्त सेल्समैन के द्वारा एसडीएम घनसौर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान खाद्य विभाग की फूड इंस्पेक्टर ज्योति पटले पर भी प्रताड़ित करना और रिश्वत मांगने की आरोप लगाए। सेल्समैनों ने बताया कि कोरोना काल में जो ऑफलाइन गलत वितरण किया गया था उसका स्टॉक और रिकवरी सेल्समैनों पर निकाली जा रही है। जब संबंधित सेल्समैन कोरोना काल का पूरा रिकॉर्ड अधिकारी के समक्ष रखता है तो फूड इंस्पेक्टर मानसिक और विभागीय रूप से दबाव बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और रुपए की मांग करती है। फिलहाल आप प्रत्यक्ष रूप में समस्त सेल्समैनों ने फूड इंस्पेक्टर को हटाते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही कार्यवाही नहीं की गई तो सेल्समैनों ने काम बंद करने की चेतावनी भी दी है। जी, कोरोना काल में जो वितरण किया गया था राशन का, वो ऑफलाइन वितरण करवाया गया था शासन के अनुसार। जो POS मशीन में अभी दिख रहा है उसी को हटाने के लिए SDM साहब को ज्ञापन दिए हैं, सौंपे हैं। और फूड इंस्पेक्टर ज्योति पटले जी हैं जो विक्रेताओं की दुकानों में जा जाकर विक्रेताओं को प्रताड़ित कर रही हैं, परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो राशन जो है ऑफलाइन वितरण करवाया जा चुका है, अभी मशीन में दिख रहा है, तो उसी का शॉर्टेज बना के उन्हें वसूली का नोटिस दे रही हैं। इसलिए उसे कम करवाने के लिए SDM महोदय को ज्ञापन दिए। सारे सेल्समैन हमारे समिति में इकट्ठे हुए थे और मेरे पास सब सेल्समैन लगभग एक हफ्ते से ये चीज़ बता रहे हैं कि जो फूड इंस्पेक्टर है ज्योति पटले लगातार हमारे कर्मचारियों को, सेल्समैनों को परेशान कर रही हैं कि आप के द्वारा राशन स्टॉक दिखा रहा है, जबकि कोरोना काल में हमारे सभी सेल्समैनों ने शासन के निर्देश अनुसार, जब एक दूसरे को आदमी छूता नहीं था, ऐसी स्थिति में जान अपनी जोखिम में डाल के हम ऑफलाइन बांटा है जो कि स्टॉक में दिख रहा है। निश्चित ही उनके ऊपर हमारे कर्मचारियों से रिकवरी का पैसा काटा भी जा रहा है। लगभग हमारे सेल्समैनों को 8-9 माह से वेतन भी नहीं दिया गया है और इसके बाद भी ऐसी परिस्थिति में मैडम के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए सारे कर्मचारी ने आज ज्ञापन कैश तो लेती हैं, मंथली हमारे सेल्समैनों को लेती हैं, और जो सेल्समैन इनके संपर्क में नहीं आ पाता तो उनके ऊपर ये कार्रवाई करने का काम करती हैं, धमकी देती हैं, दबाव देती हैं। यहाँ विक्रेता जितने भी हैं उनको एक समस्या आ रही, जो कोरोना काल में शासन द्वारा मौखिक रूप से आदेशित किया गया था कि आप निःशुल्क वितरण करें, आप जो भी हैं, तो उसके दौरान हमने वितरण किया रजिस्टर के माध्यम से, और आज की स्थिति ये बनी हुई है कि जो राशन हमने ऑफलाइन वितरण किया है वो रजिस्टर के द्वारा किया है और अभी POS मशीन में उसका स्टॉक दिख रहा है। तो इसके लिए पूर्व में जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने पूरे दस्तावेज लिए, हमारे रजिस्टर लिए, सब लिए हैं, और ले जा करके अपना कि स्टॉक घटा देंगे, वो प्रक्रिया चल रही थी इस समय। इसी के बाद अपने यहाँ से रीति सर, अपने प्रतीक सर थे तिवारी जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे आई ज्योति पटले जी, तो उनके द्वारा विक्रेताओं को प्रताड़ित किया जाना कि आपका स्टॉक ज़्यादा है और इसके एवज में कुछ मांग भी की जाती है लोगों से, हमारे सेल्समैनों से, तो ये प्रताड़ित करना और इस टाइप से काम करना थोड़ा सा अशोभनीय लग रहा था। इसलिए हम प्रताड़ित किया जा रहा हमको, सभी लोग हम लोग बहुत ही कहना चाहिए डिफरेंस में है, कहना चाहिए तो